सीधा आपको लिए चलते हैं मेरठ। इस वक्त योगी आदित्यनाथ लाइव है। वे चाहते ही नहीं थे कि राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान हो, और इसलिए कुछ न कुछ ऐसा व्यवधान पैदा खड़ा करते थे कि कश्मीर में अलगाववाद पनपता रहे, अयोध्या में राम जन्मभूमि के विवाद का समाधान न हो करके एक तरफ हिंदू आस्था पर कुठाराघात करता रह करते रहे, और दूसरी तरफ एक वर्ग विशेष को उकसा उकसा करके उन्हें गलत दिशा में मोड़ देने का कार्य करते थे और इनके चंदा उगाही का माध्यम बनता था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद उन्होंने गांव के विकास के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के विभिन्न तबकों के लिए बिना भेदभाव की योजनाएं दी, विकास की योजनाओं को मूर्त रूप देते हुए आगे बढ़ाने का कार्य किया, और आगे बढ़ाने के साथ ही जब देश की ज्वलंत समस्याओं के लिए भी उन्होंने समाधान का रास्ता निकालना प्रारंभ किया, तो पहले से आशंका थी कि इन समस्याओं के समाधान से जिनके विदेशी चंदों के अब सारे माध्यम बंद होंगे, वे कहीं ना कहीं षड्यंत्र करेंगे। और भाइयों बहनों, ये षड्यंत्र आप इसमें देख सकते हैं। आज वही लोग फिर से उसी भाव के साथ देखने, क्योंकि उन्हें परेशानी है कि जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान कैसे हो गया। उन्होंने तो वहां बैरियर लगा दिया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर शेष भारत का कोई व्यक्ति वहां जमीन नहीं खरीद सकता। आज तो मेरठ का व्यक्ति भी, मेरठ का नौजवान भी, मेरठ का किसान भी अगर चाहेगा तो श्रीनगर में अपने लिए कोठी खरीद सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी ने अधिकार आपको दे दिया है, कांग्रेस ने इस अधिकार से आपको वंचित किया था। अयोध्या में राम जन्मभूमि, अयोध्या जाने से लोग परहेज करते थे। जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैं अयोध्या गया तो मुझे पत्रकार को तो यही पूछते थे, आप कैसे आ गए? मैंने कहा भी अयोध्या राम जन्मभूमि है, कार कोर्ट ने फैसला तो नहीं किया है। हमने कहा वह भी हो जाएगा, चिंता क्यों कर रहे हैं। और 5 अगस्त को तो मोदी जी ने मंदिर के निर्माण का भी शिलान्यास करके, भव्य राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास करने का काम भी कर दिया है। 500 वर्षों की समस्या का समाधान हुआ। ये परेशानी है लोगों को, जो वामपंथी हैं, जो भारत की प्रगति नहीं चाहते हैं, गरीब के चेहरे पर खुशहाली नहीं चाहते, किसान की समृद्धि नहीं चाहते, महिलाओं को विकास की मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ने देना चाहते, वे लोग कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते रहते हैं। और आज वही लोग षड्यंत्र करने का प्रयास किस रूप में कर रहे हैं। कृषि संबंधी सुधार के कानून पर आपने देखा होगा कितना हो हल्ला है। मोदी जी ने यही तो कहा कि हम चाहते हैं कि भारत का किसान, अगर मेरठ का किसान चाहे, अगर उसको कोई दाम 100 रुपया मेरठ में मिलना हो, चाहता कि नहीं मेरठ में नहीं, मुझे गाजियाबाद में 200 मिलना है, मैं मेरठ में अपनी फसल को बेचूंगा, तो उसकी फसल पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसको पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और ये अधिकार अपनी फसल और अपनी उपज का मालिक किसान होगा, न मंडी समिति होगी, न सरकार होगा, न कोई बिचौलिया होगा। यह अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको दिया है। और कुछ लोगों को यही परेशानी है कि किसान को यह अधिकार क्यों मिल गया, किसान इस प्रकार के कार्यों के साथ कैसे जुड़ सकता है। किसान अन्नदाता है तो वह अपनी फसल और अपनी उपज का मालिक भी है, वह तय करेगा उसे अपनी फसल को कहां बेचना है, उस पर कोई टैक्स न मंडी के अंदर न मंडी के बाहर कहीं नहीं लगना चाहिए। और यही प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि एफपीओज का गठन करेंगे लेकिन खेत का मालिक किसान ही होगा, और मुनाफा में बराबर का हकदार भी किसान ही होगा। किसान को मुनाफे से कोई वंचित नहीं कर सकता है, उसकी आमदनी को कई गुना जब हम बढ़ाएंगे, उसके चेहरे पर खुशहाली आएगी, जब उसकी समृद्धि आएगी, और ये चेहरे पर खुशहाली, ये उसकी समृद्धि भारत की समृद्धि का आधार बनेगा।
याद करिए 2014 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, सिंचाई की योजना को तकनीक के साथ जोड़ करके वन क्रॉप मोर क्रॉप के साथ उसे सब्सिडी के साथ जोड़ने की कार्रवाई हो, या फिर समय पे बीज और खाद की उपलब्धता या कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से नई तकनीक उसे उपलब्ध कराने का कार्यक्रम हो, ये सभी तो तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष को तो तब भी परेशानी थी जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया। उनको परेशानी इस बात को लेकर के किसान को यह लाभ कैसे मिल जा रहा है, तब भी हो हल्ला करते थे, तमाम प्रकार की तब भी ये बातें करते थे कि किसान को यह लाभ नहीं मिलना चाहिए। फरवरी 19 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मोदी जी ने लागू की और उत्तर प्रदेश से ही लागू किया, और उस समय जब इसे लागू किया गया तब भी कांग्रेस के लोग कहते थे कि चुनावी सगुफा है। लेकिन ये पैसा पिछले पौने दो वर्षों से लगातार किसान के खाते में जा रहा है। लोग कहते थे कोरोना कालखंड में ये सब रुक जाएगा, मोदी जी ने कहा कि मंत्रियों का वेतन रुकेगा, विधायक सांसद का वेतन रुकेगा, लेकिन किसान की किसान सम्मान निधि नहीं रुकेगी। ये है काम, ये जो मंच पर बैठे हुए हमारे जनप्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी उनकी प्रेरणा के केंद्र बिंदु हैं। उनके लिए भारत की 135 करोड़ की आबादी ही अपना परिवार है, और भारत की 135 करोड़ आबादी के लिए, भारत की 135 करोड़ नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाना, उनके जीवन में समृद्धि लाना, इसी कार्य के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। और मंच पर बैठा हुआ एक एक जनप्रतिनिधि जब अपनी पूरी का पूरा वेतन, अपनी पूरी की पूरी निधि कोरोना के उपचार के लिए, कोरोना जैसी महामारी के लिए लड़ने के लिए सरकार को समर्पित करता है, तो उस समय एक शर्त रखता है कि किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में हर एक किसान के खाते में पैसा गया, यह है कार्य। प्रदेश के अंदर प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।